उमर को में है सच्चाई, कुएं में गिराते हैं, कुएं में गिराते हैं भाई को सच्चाई। वो नाम है वसीम रामपुरी। मैं तालियां बजा के इस्तकबाल करिए वसीम रामपुरी। असल में कुछ लोग अब इससे खराब दिन आजमगढ़ के क्या आ सकते हैं कि अंबर कुछ उनको भाग रहे हैं। इससे खराब दिन आजमगढ़ के नहीं आएंगे मुशारों के। आइए चार एक मतलब पढ़ता हूँ। समात्र मैं तू ही तू बसा हुआ है। बुट्टू भाई आज के दूल्हा बुट्टू आदमी साहब आप कहो समात्र मैं कि तू ही तू बसा हुआ है क्या तुझे पता नहीं है। तू ही तू बसा हुआ है। इधर बैठ जाओ भैया, भटक क्यों रहे हो उधर। अंबर आप मर्दों में बैठो। सुनो कि तू ही तू बसा हुआ। एक बार तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा आप सुन रहे थे। कि तू ही तू बसा हुआ है क्या तुझे पता नहीं है। तू ही तू बसा हुआ है तू ही तू बसा हुआ है क्या तुझे पता नहीं है। मेरे दिल के आईने में कोई दूसरा नहीं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बस तो बुट्टू भाई थोड़ी गलती हो गई, कोई बहाना बना लेते कि हमें 12 बजे निकलना है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बुट्टू आदमी साहब तशरीफ रखते हैं, बात करने का वक्त बचा ही नहीं। समात्र मैं तू ही तू बसा हुआ है क्या तुझे पता नहीं है। तू ही तू बसा हुआ है बसा हुआ है क्या तुझे पता नहीं है। मेरे दिल के आईने में कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। मैं जहां पे रह रहा हूँ आप इमलाक साहब मैं जहां पे रह रहा हूँ मैं जहां बैठ जाओ भैया है पीछे मुतरमा बैठ जाओ पीछे से मत देखने हो। समात मैं कि मैं जहां पे रह रहा हूँ मेरे दोस्त तो बहुत हैं। सुन के बताएं मैं जहां पे रह रहा हूँ मैं जहां पे रह रहा मेरे दोस्त तो बहुत हैं। मेरा हाल मुझसे लेकिन कोई पूछता नहीं क्या कहने हैं। वाह वाह लेकिन अच्छा था। अब एक शेर और सुन लो। अच्छा बहुत अच्छा आप सुनते हैं, वाकई में अच्छा सुनते हैं। इतने इतने बेबहर शेर आप सुन के दाद दे रहे थे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। समात्र मैं तू ही तू बसा हुआ है मजलूम जाए आखिर क्या कहने इंसाफ किससे मांगे। फरहान भाई मुशारा कमिश्नर साहब सुनेगा मजलूम जाए आखिर इंसाफ किससे मांगे। मजलूम जाए आखिर मजलूम जाए आखिर इंसाफ किससे मांगे। इस दौर में उमर सा कोई रहनुमा नहीं है। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। माल ही माले बचे लेके जा चुके सब। आइए एक मतलब अरे एक गजल और पढ़ दूं। जी जी पढ़ें आप पढ़ें। बहुत अच्छा बुट्टू भाई
ये वसीम भाई ऐसे लोग हैं, गजल के शहदाई हैं, ये अब जाने वाले लोग नहीं हैं। मुशायरा जिस वक्त शुरू हुआ था इतने ही लोग सुनने वाले थे, वो लोग देखने वाले थे। अच्छा ये गजल, ये नौजवान तो चले गए लेकिन आजमगढ़ में कोई बूढ़ा कहाँ होता है? ओके साहब जब जवान थे वो भी चले गए। सुनेगा, देखिए देखिए कौन मिलने आया है, किसने दरवाजा खटखटाया है। क्या गजल के अशआर पड़े हैं, वाह वाह वाह, भरपूर मतलब कहा है वसीम भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। देखिए बिहारी साहब ऐसा करता कि आपसे उल्टे पैसे ले ले जाए। मैं देखिए किसने दरवाजा खटखटाया है, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं। क्या कहें, कसम है आपको, अगर आपने शेर पर दाद नहीं दी तो ये मेरा आखिरी शेर होगा। समझ, मैं उसकी कोई जिसने रिज़्क़े हराम खाया। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। दोबारा पढ़ते जाएं, जल्दी जल्दी करो, मुझे 10 मिनट का टाइम है। मात्र मैं देखिए किसने दरवाजा खटखटाया है, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं। जिसने रिज़्क़े हराम खाया है, जिसने रिज़्क़े हराम खाया है, उसने अल्लाह हको किया नाराज, उसने अल्लाह को किया नाराज, उसने अल्लाह जिसने माँ को बहुत सताया है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। जीशान भागलपुरी साहब अभी भीख मांग रहे थे दांत की, अब कम से कम सुन तो लो। क्या कहने, सुनेगा। उसने अल्लाह हको किया जिसने माँ को बहुत सताया है। गजल के दीवानों, आजमगढ़ वालों, आपका बहुत बड़ा नाम है इस हवाले से कि आप बहुत बड़े बड़े मुशायरे कराते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी पहचान मौलाना शिवली नुमानी साहब तवत्तुर से हुई है। आपको फख्र करना चाहिए कि आप आजमगढ़ में रहते हैं। एक शेर सुने समाप्त मैं। आज जी भर के उसको रोने दो, सुने आज जी भर के उसको
हाथ मुस्कुराया है। अच्छा है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, वसीम रामपुरी जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह। ये छोटा रिचार्ज, चलिए भाई, ये भी बिहार में होता है, यूपी में है ना, मोहब्बत करने का सबका, लेकिन बिहार आज जी भर के उस को रोने दो, मुद्दतों बाद मुस्कुराया है, और फिर मुझे तू, फिर मुझे तू, ये अक्षर बुट्टू भाई के तवज्जो से पहुंचाता हूँ, वो उनकी मुझे दुआएं मिलेगी, मात्र मैं, फिर मुझे तू संभाल ले आकर, सुनेगा, फिर मुझे तो संभाल ले आकर, फिर मेरा पांव ढक मगा, क्या कहने हैं, वाह वाह।